माओवादी हिंसा से पीड़ित लोगों की मदद के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके तहत पीड़ित लोगों और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी, स्कूली बच्चों को छात्रवृत्ति और आर्थिक सहायता मुहैया कराई जा रही है। राजनांदगांव जिले में भी नक्सल पीड़ितों को पुनर्वास योजना के तहत कई तरह की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा ने बताया कि जिले में माओवाद हिंसा से प्रभावित 118 पीड़ित परिवारों में से 72 लोगों को शासकीय नौकरी दी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावितों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। राज्य शासन और केंद्र शासन के जो निर्देश हैं उनके अनुसार नक्सल पीड़ित परिवारों की पूरी मदद योजनाओं के अंतर्गत राजनांदगांव जिले में किए जा रही है। राजनांदगांव जिले में कुल 118 परिवार ऐसे हैं जो किसी न किसी रूप में नक्सल घटनाओं से प्रभावित रहे थे। इन 118 परिवारों में से 72 जो पात्र व्यक्ति थे उनको शासकीय नौकरी हमने स्थानीय स्तर पर दी है और उनकी मांग के अनुसार उनको पदस्थापना भी दी है जहाँ उन्होंने मांग की। इसके साथ साथ 100 लोग ऐसे हैं जिनको हमने केंद्रीय आर्थिक सहायता, 50 लोगों को राज्य की आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी परिवारों को, 118 परिवारों को इसका राशन कार्ड जारी किया गया है। बच्चे जो स्कॉलरशिप के योग्य हैं ऐसे 36 बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं। बस किराया छूट के लिए भी 56 लोगों को बस किराया छूट का भी दिया गया है। इसके साथ साथ हमने एक अभिनव प्रयास भी किया है कि यदि परिवार में कोई 12वीं पढ़ा है और कंप्यूटर की बेसिक जानकारी एजुकेशन रखता है तो उसको हम प्राइवेट सेक्टर में 100% जॉब देने की गारंटी दिए हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा है तो हम उसको तुरंत एक छोटा सा एग्जाम लेके नौकरी दे देते हैं। राजनांदगांव के अलावा बस्तर और सरगुजा संभाग में भी माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों की मदद की जा रही है।